तो गाइस मैं क्या बनाऊं क्या बताऊं आप लोग को पता नहीं। बस मैं 2 दिन से मुकेश के घर पे आया हूँ तो बहुत ही मज़े किए 2 दिन। पर जो आज के दिन ना जब वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ना तो आप लोग सोचेंगे इनके घर पे आए ना तो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है गाइस, बस सुबह हम दोनों टाइम पास कर रहे थे एक मचान, बिहार में तो बोलते हैं ना मचान, मतलब मचान के ऊपर बैठ कर टाइम पास कर रहे थे। तो अचानक मुकेश जी को एक जगह से कॉल आता है कि भाई आपका चैनल ही नहीं है यूट्यूब पे। तो हम दोनों सर्च करने लगे कहाँ गया। इसको तो लगा कि मजाक हो रहा है, ऐसे मजाक कर रहा है, सुबह सुबह जिसका टाइम पास करने का होता है ना कॉल करके मजाक कर रहा है। कॉल कट करके डायरेक्टली यूट्यूब पे गए, चैनल ही गायब। सही ना? कौन कॉल किया था? वो सर वो हमारा दोस्त किया था, खोतौना जिला से दोस्त था, गायक है, जो कॉल किया बोला आपका चैनल आ ही नहीं रहा यूट्यूब पे, सर्च मार के देखिए ना क्या हुआ है। तो मैं कैसे सर्च मारा यूट्यूब पे तो मेरा चैनल ही नहीं था। फिर हमारा CMS चलता है दिल्ली से, तो वहाँ हम कॉल किए, उनसे पूछे तो बोला आप पे मल्टीपल स्ट्राइक आया है, उसके वजह से आपका चैनल सस्पेंड हो चुका है। हम बात करते हैं, हम मेल करते हैं यूट्यूब को, देखिए क्या होता है, मल्टीपल स्ट्राइक आया, बहुत सारा एक ही साथ स्ट्राइक मार दिया गया चैनल पे। कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे चैनल से तो मुझसे कॉल करो, मुझसे बात करो, मुझे बोलो मेरा कंटेंट मत यूज करो। सीधा स्ट्राइक मार देते हो, चैनल बंद कर देते हो, कोई भी मेहनत से चैनल चलाता है। एक चैनल ऊपर करने में इनका अच्छा खासा जा रहा था चैनल, एक और है करके अभी जो हैक हुआ है ना, उस चैनल का नाम क्या है? मैथिली हिट सॉन्ग DJ मुकेश शर्मा, जो 2015 से चैनल चल रहा है बिहार में, मैथिली में नंबर 1 पे मेरा चैनल चल रहा है। और जो अभी हैक हुआ वो चैनल का नाम क्या है? और जो अभी बंद हुआ, टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया चैनल, वो था मेरा MS म्यूजिक मैथिली। उस पे कितने सब्सक्राइबर था? टोटल हुआ था 32,000 सब्सक्राइबर। और था। उस पे पहले वाला में कितना है? पहले वाला में 2.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो पता नहीं का मैं क्या बोलूं आप लोग को, अपने मिथिलांचल में ही मेरे को ऐसे देखने के लिए मिल रहा है, किसी का चैनल उड़ाओ, किसी का गाना उड़ाओ, किसी का ये करो वो करो। जब मैं वीडियो लेने जाता हूँ ना तो बंदे लोग में जोश जुनून देखता रहता हूँ कि मिलके आगे बढ़ाएंगे मिथिलांचल के। मेरे को अच्छा लगता है काम करने में और मिथिलांचल के आगे बढ़ाने में। तो मैं अपने आप पे शर्म कर रहा हूँ भाई, ये मिथिलांचल को मैं क्या बढ़ाऊंगा, आगे क्या करूंगा। जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक एक अपना मेहनत, एक एक पल, एक एक सेकंड अपने एक चैनल पे देता है आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, फिर बाद में आप लोग ही साले डोगले बन जाते हो और चैनल को हटा देते हो, ये क्या खास घंटा मिथिलांचल बढ़ेगा? तो गाइस मैं आप लोग को क्या बताऊं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना गाइस, बस आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ऐसे सब मत कीजिए। अगर किसी का भी कंटेंट यूज करते ना तो आप कॉल कीजिए भाई अभी हटा दे, नहीं तो कॉपीराइट डाल दीजिए ना, यूट्यूब पर तो इतना सर्विस दिया है, कॉपीराइट दीजिए, जो रेवेन्यू होगा वो आपके अकाउंट में चले जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि चैनल उड़ाने के लिए। मैं क्या बोलूंगा इसमें को, सच में आज मैं उससे कुछ बोल दूंगा बुरा लगेगा, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है अपने मिथिलांचल में ही, मैं खासकर अपने मिथिलांचल में ही देख रहा हूँ ऐसे चैनल हैक, तो चैनल को स्ट्राइक दे देकर ये तो वो फलना टलना बलना कुछ भी करने के लिए ओपन धमकी, ये वो ऐसे करोगे तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे करोगे तो ऐसे कर दूंगा, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है अपने मिथिलांचल में। उसके ऊपर आपका क्या राय, क्या बोलेंगे? कुछ भी वीडियो में दिक्कत होता है, किसी का गाना यूज कोई करता तो उसको कॉल करो, बोलो मेरा गाना मत यूज करो, मतलब एक स्ट्राइक मार के देखो वो हटाता है कि नहीं, कि सीधा आप सीधा किसी का चैनल सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, ये तो गलत बात है, कोई भी मेहनत से चैनल गलत बात है। और इसमें आप लोग बोल दो कि मिथिलांचल को आगे बढ़ाएंगे, घंटा आगे बढ़ेगा ये मिथिलांचल आप लोग के वजह से ना, जो एक जने गलती करते हो ना वो 1,000 जने को भोगना पड़ता है। तो फालतू का चैनल उड़ा के किसी का ऐसे करके क्या मिलता है, मेरे को ये बताइए क्या मिलता है आप लोग को? बेचारा इतना मेहनत करता है एक जने आगे बढ़ने के लिए, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो कैसे बढ़ेगा जो आगे आने वाले हैं अपने मिथिलांचल में, बोलते हो मेरे को मिथिलांचल को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? ये दोगलों के वजह से अपने मिथिलांचल बहुत पीछे है इस मामले में। अभी क्या बोलूंगा, मेरे को ही गुस्सा आ रहा है। और कुछ कहो भाई? हाँ और कहो भाई, जो भी मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा है MS म्यूजिक मैथिली पे, प्लीज वो स्ट्राइक हटा लीजिए तो मेरा चैनल बच सकता है, नहीं तो हमेशा क्रिएटर मिलेट हो जाएगा। आपसे विनती है, कोई भी किसी भी मेरे जो भी होगा मेरे स्ट्राइक चैनल पे स्ट्राइक मारे हो प्लीज हटा लो, नहीं तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैंने मारा है, बात करो, मेरे से कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, तुमसे हमको ये दिक्कत है, तुम क्यों मेरा चढ़ाए हो, कुछ बताओगे नहीं, सीधा चैनल को सस्पेंड कर दो, ये तो गलत बात है।
तो गाइस प्लीज आप लोग के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। आप लोग मेरे को तो देखे नहीं होंगे, मैं बस एक दो महीने से ही काम कर रहा हूँ, ये सब मैं करता नहीं था। बस जाते थे, मेरे को इंटरेस्ट था वीडियो सब शूट करने में। तो अचानक मैं एक जने का इंटरव्यू लिया हूँ, उससे मेरे को अच्छा खासा आ रहा है, तो मैं हर जगह भी जाता हूँ, कहीं कहीं से भी कॉल आता है ना मैं पहुंच जाता हूँ लेने के लिए। और मिथिलांचल का मेरा एक ही एम है, मिथिलांचल को बिहार को आगे बढ़ाना अपने इस फील्ड में, ये अपन जो करते ना सिंगिंग लाइन संगीत लाइन उसको आगे बढ़ाना है। तो आप लोग ऐसे करोगे तो नहीं होगा, आप बस अपन को जोर के सबको प्यार देकर आगे बढ़ाना होगा, एक दूसरे को मदद करके। जैसे अभी एक जने आगे बढ़ रहा है तो उससे जलिए मत, जलेंगे तो नहीं होगा, बस उसको भी सपोर्ट कीजिए। और साथ में आप भी चाहिए, जो आगे बढ़ रहा है उसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐसे क्या होता है नहीं होता है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो नहीं करते हो, आपको भी अच्छा लगेगा जब मिथिलांचल में एक जाएंगे आगे होगा, नाम आएगा। हाँ अपन मिथिलांचल में भी है बहुत अच्छे अच्छे सिंगर यूट्यूबर और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियो, ऐसे सब मत कीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर किसी को बुरा लगा होगा ना उसके लिए सॉरी। आप मेरे को बहुत सारे सिंगर सब कॉल करते रहते हैं, भैया मेरा गाना चलता है तो ये चैनल वाला हटा देते हैं डिलीट कर देते हैं। तो मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों, तो बोलता है उसको जलन हो जाता है कि ये स्टार बन जाएगा, ऐसे थोड़ी है भाई। जिसमें टैलेंट है ना उसको कोई रोकने वाला नहीं है, भले आज या कल या भले कभी, वो एक दिन ना एक दिन पक्का स्टार बन के देता है। आप लोग को ये घंटा वो जो बोलते हो ना हटाने का या स्ट्राइक देने से उसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जिसमें टैलेंट है ना, देखो टैलेंट के बल पे क्या क्या नहीं कर पाए हैं, क्या नहीं किए हैं सब लोग, आप लोग को क्या बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, खेसारी भैया को देखिए क्या करते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे, उनमें टैलेंट थे, तो अभी कहां पर है। तो इसलिए जो आगे बढ़ रहा है जिसमें टैलेंट है ना उसको सपोर्ट करोगे ना दिल से, उसको भी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा फील होगा कि मैं एक अच्छे को सपोर्ट किया हूँ आगे बढ़ाया हूँ। जब वो एक दिन स्टार बन जाएगा ना, भले वो नाम नहीं लेगा पर ऊपर वाले या आपके दिल में या उसके दिल में भी याद रहेगा कि ये भैया मेरे को सपोर्ट किया है, ये सपोर्ट नहीं किया है, वो किया वो किया, सबको याद रखेगा। तो प्लीज मेरे से एक बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मुकेश भाई का चैनल है, जो भी आप लोग स्ट्राइक दिया हो तो प्लीज आप कॉल में बात कीजिए इनसे, कोई भी प्रॉब्लम होगा ना सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न कर दीजिए या जो भी है ना कॉल पे एक बार बात कीजिए कि ऐसे होते हैं, इसके लिए मैं मार रहा हूँ, उसे दुश्मनी हुआ था, आपको ये डिलीट कर देना था, इनका गाना नहीं चढ़ाना था, वो करना था। ये कॉल में जब तक बात नहीं करोगे तब तक ऐसे नहीं होगा, और ऐसे ही काम करते रहोगे तो अपन मिथिलांचल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसमें भी टैलेंट रहेगा ना वो भी दब के मर जाएगा, भले कुछ भी कर रहे ना मर जाएगा। नहीं पर हाथ जोड़ का कोई जो जे भी रहे ना, जो भी भाई हो हाथ जोड़ से विनती है, मेरा जो स्ट्राइक आता है एम एस म्यूजिक मैथिली पर से, जो चैनल सस्पेंड होने से वजह से तो मैसेज आ गया है सस्पेंड का, परमानेंट ईमेल आ गया है, बस आपका विनती है जो अपना स्ट्राइक वापस लो लोगे तो बच सकता है। तो गाइस पता नहीं आप लोग को कितने जने को बुरा लगेगा, पर क्या करना, बनाना पड़ता है। मैं नहीं सोचता हूँ ऐसे टॉपिक बनाओ या ऐसे चीज पे वीडियो बनाओ, मैं यही हर समय यही सोचता रहा। तो कोई भी सिंगर कोई भी स्टूडियो वाला कोई भी चैनल वाला मेरे को कॉल करता, मैं वहाँ पे कैसे भी पहुँच जाता हूँ, आगे वहाँ पे जो होगा देखे जाएंगे, ऐसे होता है। पर क्या करना, बनाना पड़ता है। साथ में दो दिन से इसके गांव में था, सुबह सुबह के टाइम में देख सकते हो गाछी में बैठ कर रहा हूँ। प्लीज गाइस अगर सॉरी, अगर किसी को भी बुरा लगा ना तो सॉरी, पर ऐसे मत कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते छोटे से वीडियो में।